Hello everyone, today we will discuss how to prepare for Jawaharlal Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6th. ये मैंने ये सॉल्व पेपर एक पेपर है, इसी को सॉल्व करेंगे. ये क्लास 5 के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जवाहरलाल नवोदय का, उनके लिए है. अभी क्लास 5 ख़त्म होने वाला है और क्लास सिक्स एंट्री करेंगे जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में, उनके लिए है. पहला सेक्शन देखो, सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए होता है और हमने ये जो चुना है ये 2021 11th अगस्त 2021 को जो हुआ था जो एग्ज़ाम, उसी का ये सॉल्व करेंगे पेपर. सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट आता है और पार्ट 1 में दिखेंगे, डायरेक्शन दिया हुआ है. इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फोर फिगर्स ए बी सी एंड डी हैव बीन गिवेन इन ईच क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन में चार चार ऑप्शन होगा ए बी सी डी करके. ऑफ दिस फोर फिगर्स, इसी फोर फिगर्स से थ्री फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे. तीन फिगर तो सिमिलर है एंड वन फिगर इज डिफरेंट, और एक फिगर थोड़ा अलग होगा. क्वेश्चन फिर क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि सिलेक्ट द फिगर व्हिच इज डिफरेंट. जो फिगर आपको डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट जो है उसी को सिलेक्ट करना है. डार्केन द सर्कल फॉर आंसर इन द ओएमआर आंसर शीट अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन. जो ओएमआर आंसर शीट एक आपको दिया जाएगा, उसमें जो ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन आपका आंसर ऑप्शन है, उसी को थोड़ा डार्केन करना है. ओके, समझ गए क्या करना है. अभी शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, चार ठो फिगर दिया हुआ है ए बी सी और डी करके. इसमें से कौन सा थोड़ा अलग है देखो. अच्छा, हम इसका आंसर के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर करेंगे. देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए. क्यों ए होगा ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेप्ट ऑप्शन ए इन ऑल अदर ऑप्शंस पी क्यू आर एंड एस मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट इन ऑप्शन ए दे आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का ए में ये क्लॉकवाइज, ए में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पी क्यू आर एस है, लेकिन अलग 3 जो ऑप्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसी का आंसर ए होगा. अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन, आप ठीक से देखो, इसमें से कौन सा फिगर अलग लग रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ऑप्शन. क्यों, क्योंकि बिकॉज एक्सेप्ट ऑप्शन डी इन ऑल अदर ऑप्शंस फिगर ऑफ ट्रायंगल आर इन सेम डायरेक्शन. अच्छा देखो, ऑप्शन डी को छोड़कर और सारे फिगर में ट्रायंगल का जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड में है, लेकिन डी में ट्रायंगल का जो डायरेक्शन है अलग है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी होगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी. क्यों, क्योंकि एक्सेप्ट ऑप्शन सी इन ऑल द अदर ऑप्शंस लेटर्स कैपिटल टी कैपिटल आई एंड कैपिटल सी आर यूज्ड, बट इन ऑप्शन सी लेटर कैपिटल ई इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेटर आई. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो ऑप्शन सी है, क्योंकि देखो ऑप्शन सी में क्या डिफरेंट है, सी में टी ई सी है लेकिन और सब में टी आई सी है, लेकिन यहाँ ई ऑप्शन है, ई ई है, इसलिए वो अलग होगा. अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. इसी 4 में से कौन सा ऑप्शन आंसर ऑप्शन होगा, देखो एक्सप्लेनेशन के साथ इसी का आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. क्यों, एक्सेप्ट ऑप्शन सी इन ऑल द अदर ऑप्शंस फिगर्स आर इक्वल इन द बोथ ग्रुप्स. देखो ग्रुप वाइज सब ठीक हैं, सब सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा अलग है. ऑप्शन नंबर सी में देखो जो ग्रुपिंग है, प्लस सिंबल्स है, ऊपर के हिस्से में 3 है लेकिन नीचे के हिस्से में 4 है, लेकिन अलग जो सारे ऑप्शन है जैसे कि ए बी और डी, ये सब में इक्वल इक्वल है. देखो ऑप्शन ए में 3 और 3 ऊपर और नीचे, बी का ऊपर में है 4 और
नीचे लेफ्ट साइड में है 4, डी में ऊपर में है 2 और नीचे लेफ्ट साइड में है 2, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, फिर पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन एक दूसरा वीडियो में करते हैं। ओके, गुड बाय।